के लिए खड़ी है। हमारे युवाओं की धड़कन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई ठाकुर राजा प्रसाद जी जोरदार तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ कोना हाथ उठाकर अभिवादन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ बनाने का कार्य हमारा है भाइयों, हमारा है। क्योंकि भाइयों अगर हमने संकल्प ले लिया, फ्री ने संकल्प ले लिया कि हमें भाई ठाकुर राजा प्रताप को जिताना, हमारे क्षेत्र के हमारे मार्गदर्शक हमारे नेता हमारे साथ में है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा भाइयों उन नौजवान साथियों से कि अगर आप चाहूंगा अपने गजेंद्र सिंह आचार्य जी से जो हमारे बीच में मंचासीन है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। कई घंटों से हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाइयों इससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर संकल्प ले लिया है। भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी, शेष को अवसर वाली है। सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब अवसर वाली है, कभी संकट में नहीं आने वाले, खड़े नहीं होने वाले। आखिर हम विकास कार्य करा रहे हैं आपके मुरादाबाद के बगल में। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2017 के पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, अराजकता चरम पर थी। 2017 के बाद कर्फ्यू नहीं, आज शानदार तरीके से आपकी आस्था का सम्मान होकर के कांवड़ यात्रा को निकालने का कार्य सरकार कर रही है और कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा भी करती है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि किसी बेटी को छेड़ सके। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाने का तो साहस कर सके। आज हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सबसे ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। और मुरादाबाद को तो पीतल उद्योग के रूप में हम लोगों ने दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया है। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जो अपने बेटी की शादी में मुरादाबाद में बने हुए पीतल के बर्तन दान न देता रहा हो। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस ने ऐसा बना दिया था कि एक समय का शिकार क्षेत्र होता था। पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर 700 से अधिक दंगे होते हैं। वही 2017 से 22 के बीच में आज तक एक भी दंगा न होना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।